कस्बा से तनवीर आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर चल रही है पूरी तैयारी। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के कार्यालय में महादलित कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कार्यालय रामबाग पूर्णिया में प्रस्तावित दलित महादलित प्रमंडलीय सम्मेलन के निमित्त बनमनखी प्रखंड, पूर्णिया पूर्व प्रखंड एवं पूर्णिया महानगर के पार्टी पदाधिकारियों एवं प्रमुख कार्यकर्ता के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री शंभु प्रसाद मंडल ने की। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं के सम्मान हेतु पूर्णिया सांसद श्री संतोष कुशवाहा स्वयं भी उपस्थित रहे। उन्होंने सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं को नवरात्रि की शुभकामना देते हुए त्योहार के बीच बुलाए गए इस बैठक में उनकी महती उपस्थिति के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से वंचितों खासकर दलित महादलित वर्ग की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कई योजनाओं का सृजन कर उसे सर जमीन पर उतारने का काम किया है। पार्टी कार्यकर्ता आदरणीय नेता द्वारा इस वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं उसकी सही जानकारी इस वर्ग के लोगों के बीच ईमानदारी पूर्वक बता दी तो लोग स्वतः ही आगामी 29 अक्टूबर को दलित महादलित सम्मेलन में रंगभूमि की इंदिरा गांधी स्टेडियम की ओर उमड़ पड़ेंगे। प्रदेश संगठन सचिव आशीष कुमार बब्बू ने प्रखंड एवं महानगर से आए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए बताया कि पंचायत वार्ड प्रखंड के प्रभारियों के नेतृत्व में बैठक कर प्रत्येक पंचायत में इस वर्ग के लोगों के लिए एक सूची बनाकर अपने प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष को सौंप दें, जिसके लिए 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तिथि सुनिश्चित की गई है। प्रखंड मुख्यालय में ही इसकी समीक्षा बैठक 25 अक्टूबर 2018 को की जाएगी। के साथ है सभी समाज और सभी तबके जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी का USP है उसको लेके कहीं कोई संदेह नहीं है। समाज के सभी वर्ग सभी तबके के लोग नीतीश कुमार जी के साथ है, उसकी मजबूती के साथ है। इसका परिणाम आप पीछे भी देखे हैं तो बिहार विकास आगे की ओर बढ़ रहा है, हमारा पूर्णिया आगे की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी की देन है पूर्णिया को आगे बढ़ाने में, और इससे प्रभावित होकर सभी नौजवान जनता दल यूनाइटेड बच जाए। यदि ये महादलित सम्मेलन आप लोगों का होने जा रहा है, उसमें क्या कैसी रहेगी, कैसा रहेगा? देखिए, अभी महादलित सम्मेलन 20 तारीखों पर मुख्य सम्मेलन है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग प्रखंडवार बैठक कर रहे हैं, मैंने प्रमंडल की बैठक हुई, फिर जिला की बैठक हुई, और हम लोग प्रत्येक दिन 2-3 प्रखंड में को मिला के जो हमारे प्रमुख साथी हैं, दलित महादलित प्रकोष्ठ के साथी हैं और प्रखंड के अध्यक्ष हैं और प्रखंड के कमेटी है और पंचायत के अध्यक्ष, उनके साथ हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, ताकि जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है लोग सभी दल के लोग भीड़ जुटाते हैं। हम कार्यकर्ता को बुलाने की बात कर रहे हैं और हम अपने दलित महादलित को जो हम नीतीश कुमार जी को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग कार्यक्रम में इसकी हम बात कर रहे हैं और उसी ओर हम लोग कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि 29 तारीख का जो कार्यक्रम हो वो बिहार में अव्वल हो, सबसे अच्छा कार्यक्रम हो और व्यवस्थित कार्यक्रम। अच्छी दलितों में है नीतीश कुमार जी का क्रेज लग रहा है अभी? क्रेज नहीं लग रहा है, एक छोटी सी बैठक में आप देख रहे हैं कि 400-500 लोग बड़े लोग बैठे हैं, ये तो उनके क्रेज का ही ना परिणाम है कि लोग किसी को सिर्फ फोन गया है लोग आ गए हैं। और आज हम लोग बनमनखी प्रखंड और पूर्णिया पूर्व प्रखंड के साथी के साथ बैठक किए हैं, बीते दिन हम लोग कस्बा जलालगढ़ श्रीनगर के साथ बैठक किए हैं, आने वाले कल में हम लोग रुपौली और भवानीपुर और बरहारा 3 प्रखंड के साथ बैठक करने वाले हैं, फिर दशहरे के बाद धमदा के नगर का बैठक रखे हैं, उसके बाद कोढ़ा फलका का बैठक रखे हैं, उसी तरीके से डगरवा बैसी का बैठक होगा। सभी प्रखंडों का बैठक हम लोग व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं और ताकि पंचायत स्तर के और जो वार्ड है वहाँ से हमारे दलित महादलित के भाई निश्चित रूप से सबों का योगदान और सबका सहयोग से कार्यक्रम हो और 29 तारीख की सबकी भागीदारी। सांसद जी, ये बैठक तो सभी क्या कहते हैं कार्यकर्ता अधिकारियों, अपनी पार्टी के जो अधिकारी है कार्यकर्ता उन लोगों के, लेकिन दलित सम्मेलन में खास तौर से दलितों की भीड़ देखी जाएगी, तो इन चीज़ों को किस तरह से आप लोग ले रहे हैं? देखिए, दलित सम्मेलन में सम्मेलन ही दलित और महादलित का है और उसमें प्राथमिकता वही लोगों की होगी। आज भी जो बैठक हुई है सारे दलित भाई और महादलित भाई के लोग ही अपनी बात रखे हैं और जो जिला के अध्यक्ष हैं और जिला के जो पदाधिकारी सुनने का काम किया है, सभी
दलित महादलित के हमारे पदाधिकारी जो हमारे साथी है वो अपनी बात को रखे हैं और अपना सबने सुझाव दिया है पार्टी में और उसके सुझाव को अमल किया जाएगा ताकि 29 तारीख को बेहतर कार्यक्रम हो सके। शुक्रिया।